अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो का टाइटल देखकर आपने समझ ही लिया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज मैं बनाने लगी हूँ सूखी पत्ती से लीफ मोल्ड। तो लीफ मोल्ड मैं किस तरह तैयार करूँगी वो आज मैं बताऊँगी। वैसे तो बहुत आसान है इसको तैयार करना। कि ये जो है ये मेरा एक पॉट है जिसमें गर्मी की इस वाइन लगी थी और मैंने उसे ट्रांसप्लांट कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर ये लीफ मोल्ड तैयार करूँगी। किस तरह? एक लेयर जो है वो पत्तों की होगी, सूखे पत्तों की। दूसरी लेयर जो है वो मिट्टी की होगी और फिर इसके ऊपर कोई पौधा लगाऊंगी और पौधे के ऊपर मिट्टी लगाकर मिट्टी डालकर फिर इसको मैं इसके अंदर जो पौधा और इसको मैं सेट कर दूँगी किसी जगह पर, ताकि ये जो हर 15 दिन का मसला होता है ना पानी देने का, वो मसला ना रहे जो हम अलग से बनाते हैं। तो मैं ये तरीका इस्तेमाल करूँगी। तरीके दोनों हैं, आप किसी बोरे में या किसी आप कहते हैं ना उसको बाल्टी में, किसी गमले में, किसी भी तरह से इसको जमा कर डाल के आप इसको लीफ मोल्ड तैयार करते हैं। भूल जाएं इसको आप डाल के 3-4 महीने तक, और बस पानी के लिए इसको खोलें और पानी का छिड़काव करके इसको बंद कर दें। आज मैं क्या करने लगी हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। सारे लीफ जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और यहाँ पर देखते हैं सुराख भी हैं इसके अंदर दो, तो ये सुराख 2-3 होना ज़रूरी है हमेशा पॉट की बॉटम में। तो हम डाल देंगे सारे पत्ते इसके अंदर, और इसके अंदर फिर क्या है कि वो लीफ मोल्ड जो है वो हमारी तैयार होती रहेंगी। जी तो देखिए ये सारी जो लीव्स थे ये मैंने बिल्कुल इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी मिट्टी है, ये बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर बहुत अच्छे से खाद भी मिली हुई है और सब कुछ है, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो ये मिट्टी हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरह। और हम फिर इसके अंदर कोई सा भी प्लांट जो है वो लगा देंगे। तो अभी मैं कोई प्लांट इसके अंदर नहीं लगाऊंगी, और जब मैंने सीडलिंग की है सब्जियों की, जो टमाटर हैं मैंने ब्रिंजल लगाए हैं और मिर्ची वगैरह के पौधे लगाए हैं, तो उसमें से कोई भी एक पौधा मैं इसके अंदर लगा दूँगी। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके अंदर सीजनल पौधा लगाऊँ जो कि विंटर में चलकर फिर समर में जो है वो ख़त्म हो जाता है, ताकि जब वो पौधा ख़त्म हो और मैं इस मिट्टी को यूज़ करूँ तो नीचे से मुझे कंपोस्ट भी मिल जाए। तो ये तरीका बहुत अच्छा है। आप जब सीज़न शुरू हो विंटर का या समर का, और कोई इसका इन दोनों सीज़न का कोई सीजनल प्लांट हो वो इसी तरह आप लगा सकते हैं। साथ में आपको दो फ़ायदे होंगे, एक तो लीफ जो मोल्ड है वो आपका नीचे रेडी होगा और ऊपर जो है वो आपका प्लांट भी चलता रहेगा, बल्कि उसकी सेहत भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेंगे वो उस प्लांट को जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे, और साथ ही हमारी जो कंपोस्ट है वो भी नीचे रेडी हो जाएगी। और ये जब तक वो प्लांट अपनी हेल्थ लेगा और फ्रूटिंग हमें देगा या फ्लावरिंग देगा, और जब वो अपना उसके अंदर से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेने के बाद जब हम इसको रिमूव करेंगे तो नीचे से हमें बहुत अच्छी लीफ कंपोस्ट मिल जाएंगी। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आप भी इसी तरह अपने समर गार्डन को ख़त्म करके जब आप विंटर गार्डन बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो फिर साथ ही आप इस तरह का जो अपने बेलों के, अपने पौधों के कोई भी पत्ते वेस्ट ना करें और इसको इसी तरह लीफ कंपोस्ट बनाकर यूज़ करें। दोनों तरीके यूज़ करें जो मैंने आपको पहले बताया, और ये भी आप कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं अगर मेरे चैनल पर तो कभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग।